गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स थे उसमें से हमने एक को डिफाइन कर दिया था 1 मीटर। अब हम आगे बात करते हैं 1 किलोग्राम की। 1 kg, 1 किलोग्राम की जो फंडामेंटल डेफिनेशन ली गई है वो डेफिनेशन क्या है, देखिए इसकी भी हम दो यूनिटों की, दो डेफिनेशनों की बात करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन ली गई है वो जो अंतर्राष्ट्रीय लैब है पेरिस के अंदर, उस पेरिस के अंदर जो लैब है उसमें एक बेलनाकार टुकड़ा रखा हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम धातुओं का, प्लेटिनम इरिडियम, इस मिश्र धातु का एक बेलनाकार टुकड़ा। कहां रखा हुआ है? पेरिस की जो अंतरराष्ट्रीय लैब है उसके अंदर। और उस टुकड़े का जो मास लिया गया है, उसका जो द्रव्यमान लिया गया है, उसको 1 किलोग्राम कहा जाता है। अगर आपसे कोई सिंपल परिभाषा पूछी, वैसे देखिए परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती हैं इस तरह की, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि भाई 1 किलोग्राम क्या चीज है, तो आप बता सकती हो पेरिस की जो लैब है उसके अंदर प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु का बेलनाकार जो टुकड़ा रखा हुआ है उस टुकड़े के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया है। देखिए जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके प्रूफ के रूप में लेना पड़ता है, तो वही प्रूफ के रूप में वो बेलनाकार टुकड़ा रखा हुआ है जिसको आप 1 किलोग्राम कह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी आजकल आप डेफिनेशन दे देते हैं वो डेफिनेशन एक और है जो कि बड़ा ही अच्छी डेफिनेशन है। जैसे आप 1 लीटर पानी की बात कर रहे हैं और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर पानी का द्रव्यमान, देखिए टेम्परेचर के साथ में पानी का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पर जो बात की जा रही है वो 4 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। और वास्तव में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, ये आप जानते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस का अगर हम 1 लीटर पानी लें तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो भी 1 किलोग्राम होगा। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है दोनों, और दोनों डेफिनेशन को एक एक लाइन में आप याद रख सकते हो। 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब इस परिभाषा के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं यूनिटों की। देखिए जिस तरह से हमने दूरी को परिभाषित किया, 1 मीटर को परिभाषित किया, 1 मीटर की परिभाषा देने के बाद दूरी के बड़े और छोटे मात्रकों की बात की, ऐसे ही हम द्रव्यमान के बड़े और छोटे मात्रकों की बात करते हैं। देखिए जो हमने बताया था किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, आप उसको मीटर के लिए भी यूज कर सकते हो, आप उसको किलोग्राम के लिए भी यानी द्रव्यमान के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। इसके बाद जहां भी आपको लग रहा है छोटे द्रव्यमानों की बात की जा रही है तो वहां पर आप माइक्रो नैनो इन सब को यूज कर सकते हो, वो तो प्रीफिक्स थे। माइक्रो जहां भी आ जाए 10^-6, नैनो आ जाए 10^-9, पिको आ जाए 10^-12, और ऐसे ही बड़े वाले मेगा गीगा टेरा उनका आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। इसके अलावा कुछ यूनिट और होते हैं द्रव्यमान के जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात करता हूँ। सबसे पहली बात की जाए तो आजकल नहीं चलता है पर फिर भी पहले किसानों के लिए चलता था, आजकल भी किसानों के लिए यूज होता है क्विंटल। पैदावार जो आती है उसको क्विंटल में मेजर करते हैं, जैसे गेहूं की पैदावार हुई कि भाई इतने क्विंटल हो गई। मन, एक मन शब्द भी होता है, तो मन का मतलब होता है 40 किलोग्राम। वन एक मन इज इक्वल टू 40 किलोग्राम, एक क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, मन 40 kg, क्विंटल 100 kg, एक मीट्रिक टन, मीट्रिक टन या खाली टन भी बोल देते हैं उसको, ये होता है 10 क्विंटल, 10 क्विंटल यानी 1 क्विंटल में 100 kg, तो इसमें 1000 kg हो जाएगा। तो आप इन यूनिटों को भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक यूनिट जो कि बहुत ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी पूछी नहीं जाती, लेकिन एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं स्लग।
और वंस वाली जो पैकेट होता है 14.5 किलोग्राम, 14.5 किलोग्राम स्लग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, अक्सर कोई भी इसको पूछ लेता है। तो एक स्लग में कितना होता है, 14.5 किलोग्राम। ऐसे ही अगर हम द्रव्यमान के सबसे बड़े यूनिट की बात करें तो वो होता है चंद्रशेखर लिमिट, 1 CSL, 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स, यानी 1.4 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सन, यानी सूरज के द्रव्यमान का 1.4 टाइम्स जो होता है उसको कहते हैं एक चंद्रशेखर लिमिट। तो ये सबसे बड़ा यूनिट हो गया द्रव्यमान का। इसी तरह से द्रव्यमान के सबसे छोटे यूनिटों में जिसका यूज हम कहां करते हैं, परमाणु के द्रव्यमानों के लिए करते हैं, और वो होता है AMU, 1 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और 1 AMU में होता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और बाकी तो आप प्रीफिक्स लगा करके समझ सकते हो, बाकी और किसी की ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारी दो डेफिनेशन हो गई, हमने 1 मीटर को समझ लिया, हमने 1 किलोग्राम को समझ लिया। इसके बाद इसी क्रम में अब हम बात करते हैं 1 सेकेंड की। एक सेकेंड, वन सेकेंड, देखिए 1 सेकेंड की जो डेफिनेशन दी गई है वो परमाणु घड़ी से दी गई है, एटॉमिक क्लॉक से दी गई है। परमाणु घड़ी, जैसे आपने पेंडुलम घड़ी जितना देखी होंगी, पेंडुलम, उसमें एक पेंडुलम होता है और वो ऑसिलेट करता रहता है, इसी तरह से जो परमाणु घड़ी है उसमें सीजियम, CS-133, सीजियम 133 का जो परमाणु है वो वाइब्रेट करता है। जो एटॉमिक क्लॉक है वो भी आपकी पेरिस की लैब में रखी हुई है, और उस घड़ी के अंदर सीजियम का परमाणु जो है वो वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन एक सेकंड कितना बड़ा समय है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक सेकंड हम लोगों के लिए, हम और आप बात कर रहे हैं, अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक सेकंड का कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक सेकंड की बात, जैसे सपोज करिए ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, और ओलंपिक गेम में 100 मीटर की रेस हो रही है, 100 मीटर की रेस जब होती है तो जो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, उनके बीच में जो टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है वो एक सेकंड का भी बहुत पार्ट होता है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एक सेकंड कितना बड़ा समय है। एक सेकंड के भी एक छोटे से पार्ट की वजह से एक जो रेसर है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, वो इतिहास में अपना नाम गोल्ड मेडल के रूप में दर्ज करता है, और दूसरा सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कभी किसी व्हीकल से जा रहे होते हो और अचानक से कुछ इस तरह की चीज सामने आ जाती है और आप एकदम झटके से अपने आप को बचाते हो और मन में आता है अगर एक सेकेंड की भी देर हो गई होगी तो जान चली जाती। तो एक सेकेंड यानी समय के एक एक पल की कीमत है। इसी क्रम में मैं एक सेकेंड की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तो जो परमाणु घड़ी रखी हुई है उस परमाणु घड़ी में जो सीजियम का परमाणु होता है वो परमाणु वाइब्रेट करता है। अब एक सेकेंड कौन सा समय है जिसमें सीजियम का परमाणु 91, 92, 631, 770, अब आप लगा सकते हो कितनी बड़ी संख्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख करोड़, और फिर आगे, तो कुल मिलाकर के अरब तक के लिए जा रहा है। ये सीजियम का परमाणु जो है वो इतनी बार वाइब्रेट कर जाता है, इतनी बार वाइब्रेट कर जाता है, अरबों बार, 9 अरब बार वाइब्रेट कर जाता है, कितने समय में, एक सेकंड में। आपको लग रहा होगा कि सर तो वैसे ही बना रहे हैं, ये बनाने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। आप भी लैब में देखोगे, आप जब 11th क्लास में जब स्वरित द्विभुज वाले, ट्यूरिंग फॉर्क वाले एक्सपेरिमेंट करोगे, उन एक्सपेरिमेंटों में आपको स्वरित द्विभुज मिलेंगे, इस तरह की शेप होती है उसकी, ट्यूनिंग फॉर्क की, ऐसी दो टांगें होती हैं, द्विभुज, दो भुजाएं,
ऐसे करके, और आप इसे पकड़ करके और इस वाली भुजा को या इस वाली भुजा को, एक रबर पैड होता है उस रबर पैड से ऐसे मारना होता है, जब आप ऐसे मारोगे तो वो भुजा वाइब्रेट करने लगती है। तो वास्तव में उस पर पता है क्या लिखा रहता है, जैसे 500 बार है, 200 सूर है, ऐसे हर्ट्स में लिखा होगा 1026 सूर ऐसा कुछ। तो 1026 जिस पर लिख रहा है इसका मतलब वो अगर आप ऐसे मार दोगे तो एक सेकंड में 1026 बार वाइब्रेट करेगी। आप करेंगे हम तो गिन नहीं पाए, गिन नहीं सकते आप। तो कुल मिलाकर के ये भी क्या है, एक सेकंड कितना बड़ा समय है अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि भाई एक सेकंड में ये इतनी बार वाइब्रेट कर जाता है। वैसे देखिए डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करता है सीजियम का परमाणु, तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हो एक सेकंड वो समय है जिसमें परमाणु घड़ी का में सीजियम परमाणु जो है 91,92,633 बार कंपन करता है। अब ये तो बात हो गई सेकंड की परिभाषा की, सेकंड की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं समय के मात्रकों की। समय के मात्रकों में आप बिल्कुल जो मात्रक हमने यूज किए थे दूरी के लिए प्रीफिक्स लगा करके जो यूज किए थे, माइक्रो, नैनो, पिको, इसी तरह से आपने मेगा, गीगा, टेरा, तो सब प्रीफिक्स लगा करके आप टाइम के लिए भी उनको यूज कर सकते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बाकी उसमें ईयर आ जाता है, वर्ष, वर्ष में आप जानते हो कितने दिन होते हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, कितनी सेकेंड मिनट होती हैं, तो ये सब जानते हैं। टाइम की मात्रकों की ऐसी कोई खास ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर ध्यान रखें, सेक, वन सेक। ये अक्सर पूछ लिया जाता है 10^-8 सेकेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, उसमें कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारी तीन डेफिनेशन हो गई, पहली 1 मीटर की डेफिनेशन हो गई, दूसरी हमारी 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हो गई, और तीसरी हमारी 1 सेकेंड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद मैं अगली डेफिनेशन की बात करता हूँ, और वो है 1 केल्विन। देखिए लगातार जब हम एक ही दिन में इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटियों की परिभाषा याद करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप एक दिन में एक परिभाषा याद करो, बाकी आगे की चीज़ें पढ़ना शुरू करो। लगातार 6-7 दिन तक तैयार करोगे, 6-7 दिन में आपकी 6 डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं 1 केल्विन की। 1 केल्विन, तो केल्विन भाई किसका मात्रक होता है? केल्विन ताप का SI मात्रक है। इसके अलावा भी इसके मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस में आप इसको मेजर करते हो, आपको आगे चल के थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाएंगे फारेनहाइट, जैसे किसी को फीवर वगैरह होता है, बुखार होता है, तो उसको मेजर करते हैं तो 98.4 या 98.6 के आसपास फारेनहाइट में जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी, तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं है और ना वो केल्विन में है, वो फारेनहाइट में होता है, तो वो आगे चल के हम उसी पर डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल हम बात करते हैं 1 केल्विन की। लेकिन 1 केल्विन को समझने के लिए हमको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु, देखिए इस पॉइंट को समझने के बाद ही हम एक केल्विन को परिभाषित कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? आप एक ऐसे टेम्परेचर की बात कर रही हो, आप एक ऐसे टेम्परेचर की बात कर रही हो जिस टेम्परेचर पर जल की तीनों साथ ही अवस्थाएं इक्विलिब्रियम में आपको मिल सकती हैं, यानी एक साथ इसकी तीनों अवस्थाएं पाई जा सकती हैं जिस टेम्परेचर पर, आप उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जिसपे आपको पानी के रूप में भी मिल सकता है, सॉलिड भी मिल सकता है, आपको गैस भी मिल सकती है, भाप भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के जल का त्रिक बिंदु का मतलब है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में हो सकें, रह सकें, उसे कहते हैं जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, TR आप इसको कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो केल्विन में डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए 273.15 को प्लस कर देते हैं आप उसमें, तो अब जब